अध्याय 8, फटाफट अमीर बनने का सबसे तेज तरीका, मानसिक लेवरेज का सारांश। रिच डैड सीरीज की चौथी पुस्तक रिच किड स्मार्ट किड प्रकाशित होने के बाद एक मशहूर अखबार में उसकी समीक्षा छपी। रिच डैड सीरीज के बारे में मीडिया में प्रकाशित लगभग सारी रिपोर्टिंग बहुत सकारात्मक रही। मेरी पुस्तकों की समीक्षाओं में मीडिया न सिर्फ निष्पक्ष रहा बल्कि इससे भी आगे तक गया है। बहरहाल, रिच किड स्मार्ट किड की यह समीक्षा उस तरीके से शुरू नहीं हुई। इस पत्रकार ने समीक्षा की शुरुआत में ही मुझ पर हमला कर दिया कि मुझे लिखना नहीं आता और मैं अयोग्य लेखक हूँ। उसने कमोबेश यह कहा कि मुझे स्कूल जाकर दोबारा लिखना सीखना चाहिए। मजे की बात यह है कि मैंने उस पुस्तक की शुरुआत में साफ साफ बता दिया था कि मैं लिखने की अयोग्यता के कारण हाई स्कूल में अंग्रेजी में 2 बार फेल हो चुका हूँ। लिखने में कमज़ोर होने की वजह से मुझ पर 15 साल की उम्र में मूर्ख और असफल होने का ठप्पा लग गया था। वह मेरे जीवन का बहुत पीड़ादायक प्रसंग था। उसके बाद से मैंने कभी भी बढ़िया लेखक होने का दावा नहीं किया। लेखन शायद मेरी सबसे कमज़ोर योग्यता है और इस वजह से मुझे स्कूल में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। रिच डैड सीरीज की चौथी पुस्तक इस बारे में है कि मैं पढ़ने लिखने की अयोग्यता से कैसे उभरा और इसके बावजूद कॉलेज की पढ़ाई कैसे पूरी की। रिच किड स्मार्ट किड आपके बच्चे की अनूठी प्रतिभा को पहचानने और विकसित करने के बारे में है। हालांकि हो सकता है कि यह प्रतिभा लिखने पढ़ने से संबंधित ना हो, साथ ही यह उसकी वित्तीय योग्यताओं को विकसित करने की ज़रूरत के बारे में भी है। तो पत्रकार की आलोचना इस पुस्तक की सामग्री पर नहीं बल्कि मेरी लेखन योग्यता पर केंद्रित थी, यानी कि वही समस्या जो मुझे स्कूल में हर बार सामने आई थी। पत्रकार ने समीक्षा के अंत में एक ऐसी टिप्पणी लिखी जो उसके हिसाब से मेरे पक्ष में जाती थी और लेख को संतुलित तथा निष्पक्ष बनाती थी। उसने लिखा, यह पुस्तक आपके बच्चे को नौकरी पाने के लिए अधिक योग्य बना देगी। देखिए, मेरे हिसाब से मेरी लेखन योग्यता की आलोचना करना वाजिब है, लेकिन इस लेख में यह लिखना कि मेरी पुस्तक का इकलौता सामाजिक लाभ यह है कि आपके बच्चे को नौकरी के लिए अधिक योग्य, मोर एम्प्लॉयबल बनाती है, इतनी बेतुकी की बात थी कि मुझे बुरा लग गया। मुझे शक हुआ कि समीक्षा करने वाले ने इस पुस्तक को पढ़ा भी होगा। रिच किड स्मार्ट किड आपके बच्चे को नौकरी के लिए अधिक योग्य बनाने के बारे में नहीं है। यह तो आपके बच्चे की नौकरी के लिए अधिक योग्य, अधिक अयोग्य, मोर अनएम्प्लॉयबल बनाती है। अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको यह सोचने की ज़रूरत है कि नौकरी पाने के लिए कम से कम योग्य कैसे बने। एक बार फिर फर्क मानसिक वास्तविकता का है। नौकरी के लिए कम योग्य कैसे बने। मानसिक लेवरेज के महत्व के सारांश में मैं दोबारा कहता हूं कि आपकी वास्तविकता सिर्फ वही है जिसे आप वास्तविक या सच मानते हैं, या जैसा कहा जाता है कि आपकी अनुभूति ही आपकी वास्तविकता है। जब मुझसे पूछा जाता है क्या व्यक्ति की वास्तविकता बदलना मुश्किल होता है, तो मैं जवाब देता हूँ, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। मेरे लिए यह एक व्यक्तिगत संघर्ष था कि मैं अपने गरीब डैडी की वास्तविकता को दरकिनार कर दूं, जिसे वे स्मार्ट तरीका मानते थे, और अपने अमीर डैडी के विचार अपना लूं, जिसे वे स्मार्ट तरीका मानते थे। कई मायनों में मध्यवर्गीय या गरीब वास्तविकता को अमीर वास्तविकता में बदलना बाएं हाथ से खाना सीखने जैसा हो सकता है, जबकि अपने कई सालों तक दाएं हाथ से खाना खाया हो। हालांकि ऐसा करना मुश्किल नहीं है और लगन होने पर कोई भी ऐसा कर सकता है, लेकिन इसे करना सबसे आसान काम भी नहीं है। अमीर बनने का सबसे तेज तरीका अपनी वास्तविकताओं को ज़्यादा तेजी से बदलने में समर्थ बनाना है। ज़्यादातर लोगों के मामलों में ऐसा कहना तो आसान है, करना मुश्किल है, क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग अपनी वास्तविकताओं के आरामदेह दायरे के भीतर रहना चाहते हैं, भले ही वह वास्तविकता आर्थिक संघर्ष और अभाव की हो। अमीर डैडी ने कहा था, ज़्यादातर लोग अपने साधनों के भीतर ही सिमटे रहना चाहेंगे। वे मानते थे कि अधिकांश लोग कुछ सालों तक कष्ट उठाने, अपनी वास्तविकताओं को बदलने और बाकी ज़िंदगी छुट्टी मनाने के बजाय ज़िंदगी भर की कड़ी मेहनत में आरामदेह रहने का विकल्प चुनते हैं।
दाएं हाथ से बाएं हाथ तक बदलने की उपमा का प्रयोग करते हुए यह कहा जा सकता है कि ज़्यादातर लोग अपने दाएं हाथ से खाकर गरीब रहना चाहेंगे, बजाय इसके कि वे बाएं हाथ से खाना सीखकर अमीर बन जाएं। कई मायनों में मानसिक वास्तविकता में भी इसी तरह परिवर्तन की ज़रूरत होती है। सामग्री बनाम संदर्भ। फास्ट कंपनी एक अच्छी मैगजीन है और मैं सभी लोगों को इसे पढ़ने की सलाह देता हूँ। कुछ समय पहले इसमें एक लेख लर्निंग 101 प्रकाशित हुआ, जिसमें लिखा था, सीखना उन लोगों, टीमों और कंपनियों के लिए अकेला सबसे महत्वपूर्ण साधन है जो नई अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ना चाहती है और आगे बने रहना चाहती है। आगे लेख में एस्ट्री सोलोमन ग्रे का कोटेशन दिया गया था, जो इंटरवाइज इंक की स्ट्रेटेजिक ई लर्निंग एडवाइज़र है। वे कहती हैं, पुरानी अर्थव्यवस्था में सामग्री का राज्य चलता था, नई अर्थव्यवस्था में संदर्भ का राज्य चलता है। दूसरे शब्दों में, दाएं हाथ के आधिपत्य से बाएं हाथ के आधिपत्य तक बदलाव इस बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि खाने के लिए किस तरह के छुरी कांटे का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान स्कूल सिस्टम बच्चों को बेहतर सामग्री कंटेंट देने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन यह नहीं देखता कि सूचना युग ने आज की दुनिया के संदर्भ को किस तरह बदल दिया है, जिसमें हम इस समय रहते हैं। जिस तरह पुस्तक समीक्षक को लगा था कि मेरी पुस्तक का इकलौता सामाजिक लाभ बच्चे को नौकरी के लिए अधिक योग्य बनाना है, उसी तरह ज़्यादातर स्कूली शिक्षक कोर्स में ऐसी सामग्री रखने की कोशिश करते हैं जो आपके बच्चे को नौकरी के अधिक योग्य बना दे। इसलिए स्कूल सिस्टम संदर्भ के बजाय सामग्री पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। दुनिया का संदर्भ बदल गया है। जब मेरे मम्मी डैडी बड़ी मंदी के दौर में बड़े हो रहे थे, तो संदर्भ यह था कि नौकरियां कम थीं और नौकरी की सुरक्षा का दबदबा था। इसलिए मेरे मम्मी डैडी ने अच्छे ग्रेड और सुरक्षित नौकरी पर जोर दिया। मेरे माता पिता के दिनों में अगर आप अच्छी कंपनी में सुरक्षित नौकरी खोज लेते और वफादार तथा मेहनती होते तो आपकी ज़िंदगी संवर जाती थी। रिटायरमेंट के बाद आपकी वित्तीय सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की थी। आज 90 के दशक की छटनी के बाद अधिकांश लोगों को यह एहसास हो चुका है कि संदर्भ या रोजगार के नियम हमेशा के लिए बदल गए हैं। सामग्री, संदर्भ और क्षमता। मेरे अमीर डैडी ने सामग्री और संदर्भ शब्द का प्रयोग ज़्यादा बार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने वास्तविकता शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वे क्षमता यानी कैपेसिटी शब्द का प्रयोग हमेशा करते थे। वे कहते थे कि गरीब व्यक्ति की वास्तविकता गरीब होती है और गरीब वास्तविकता का यह मतलब भी होता है कि उस व्यक्ति में पैसे को अपने पास रोककर रखने की बहुत कम क्षमता है। उनका तात्पर्य था कि जो लोग इस तरह की बातें कहते हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता या निवेश करना खतरनाक है, तो ये बातें अमीर बनने की उनकी क्षमता को कम कर देती हैं। उन्होंने कहा था कि जब किसी गरीब या मध्यवर्गीय वास्तविकता वाले व्यक्ति के पास अचानक पैसा आ जाता है, तो आमतौर पर उसमें अचानक आए प्रचुर पैसे को संभाल पाने की मानसिकता और भावनात्मक क्षमता नहीं होती, इसलिए पैसा बहकर दूर चला जाता है। इसलिए आप अक्सर लोगों को यह कहते सुनते हैं, पैसा मेरी उंगलियों से फिसल जाता है, या चाहे मैं कितना भी कमा लूं, महीने के आखिरी में पैसा हमेशा कम पड़ जाता है, या मैं तब निवेश करूंगा जब मेरे पास अतिरिक्त पैसा होगा। कभी कभार मैं उस उदाहरण का प्रयोग करता हूं जिसके माध्यम से अमीर डैडी अपने पुत्र और अपने बेटे और मुझे संदर्भ के बारे में सिखाते हैं। अमीर डैडी पानी का एक गिलास लेते हैं और एक भरे हुए बड़े जग में उस पानी गिलास में पानी डालते हैं। अमीर डैडी पानी का एक खाली गिलास लेते थे और एक भरे हुए बड़े जग से उस गिलास में पानी डालते थे। थोड़ी ही देर में पानी गिलास में से बहने लगता था और इसके बाद वे जब तक पानी डालते थे पानी बहता रहता था। अमीर डैडी कहते थे कि दुनिया में बहुत पैसा है, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो पहले आपको अपनी वास्तविकता यानी संदर्भ का विस्तार करना होगा, तब कहीं जाकर यह प्रचुर पैसे को संभाल पाएगी। सामग्री, संदर्भ और क्षमता के संबंध में स्पष्ट करने के लिए मैं अपने सेमिनारों में इसी उदाहरण का प्रयोग करता हूं। मैं सबसे पहले पानी को एक औंस के ढक्कन में डालता हूं, फिर एक छोटे गिलास में और फिर ज़्यादा बड़े गिलास में।
यह एक सामान्य उदाहरण है जो बताता है कि गरीब, मध्यम वर्गीय और अमीर लोगों में पैसे रोककर रखने की क्षमता कितनी अलग होती है। अपनी क्षमता का विस्तार करें। जब मुझसे पूछा जाता है मैं अपनी वास्तविकता या संदर्भ का विस्तार कैसे करूं, तो मैं जवाब देता हूं, अपने विचारों पर नज़र रखकर। मैं लोगों को अपने अमीर डैडी के प्रिय कहावत भी याद दिलाता हूं, पैसा सिर्फ एक विचार है। मैं लोगों को वही सलाह देता हूं जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे दी थी। उन्होंने कहा था कि इंसान को इस तरह की बातें कभी नहीं कहनी चाहिए। नंबर एक, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। नंबर दो, मैं वह काम नहीं कर सकता। नंबर तीन, वह गलत है। नंबर चार, मैं पहले से ही यह जानता हूँ। नंबर पाँच, मैंने एक बार इसकी कोशिश की थी लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। नंबर छः, यह असंभव है, यह कभी कामयाब नहीं होगा। नंबर सात, आप ऐसा नहीं कह सकते। नंबर सात, आप ऐसा नहीं कर सकते। नंबर आठ, यह गैर कानूनी है। नंबर नौ, यह करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नंबर दस, मैं सही हूँ और आप गलत हैं। अमीर डैडी ने कहा था, दोषदर्शी और मुख्य वास्तविकता तथा संभावना के विपरीत सिरों पर जुड़वा है। उन्होंने आगे कहा था, मूर्ख किसी भी हवाई योजना पर यकीन कर लेता है और दोषदर्शी व्यक्ति अपनी वास्तविकता के बाहर कोई किसी भी चीज़ की आलोचना ही करने लगता है। वे इस स्पष्टीकरण के अंत में कहते थे कि दोषदर्शी की वास्तविकता किसी नई चीज़ को अंदर नहीं आने देती है और मूर्ख की वास्तविकता में मूर्खतापूर्ण विचारों को बाहर रखने की क्षमता नहीं होती। अगर आप समृद्ध और अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक खुले दिमागी, लचीली वास्तविकता और नए विचारों को असली व लाभदायक कामों में बदलने की योग्यता की ज़रूरत है। फास्ट कंपनी मैगजीन के एक कथन को दोहराना चाहूँगा, पुरानी अर्थव्यवस्था में सामग्री का राज्य चलता था, नई अर्थव्यवस्था में संदर्भ का राज्य चलता है। मेरे अमीर डैडी इसे इस तरह से कहते हैं, अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो आपके पास एक ऐसा मस्तिष्क होना चाहिए जो नए विचारों का स्वागत करता हो, और आपके पास ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जो आपकी वर्तमान संभावनाओं से ज़्यादा बड़ी संभावनाओं को साकार कर सकें। ऐसा करने के लिए आपके पास ऐसी वास्तविकता होनी चाहिए जो बदल सके, जिसका विस्तार हो सके और जो तेज़ी से बढ़ सके। गरीब व्यक्ति की वास्तविकता यानी कमी और सीमाओं में बंधी वास्तविकताओं के सहारे अमीर बनना असंभव है। अमीर क्यों ना बने? 1985 में ब्रिटिश कोलंबिया के पहाड़ पर बैठकर किम, मेरे दोस्त लैरी और मैंने फैसला किया था कि जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए हम बहुत ही मुश्किल उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम खुद को नई वास्तविकताओं में धकेलेंगे। और यकीन माने, कई बार तो यह बहुत मुश्किल भरा काम था। जब मुझसे पूछा जाता था कि हम इतनी जल्दी अमीर कैसे बने और जवानी में ही रिटायर कैसे हो गए, तो मैं बस इतना कहता हूँ कि हम अपनी वास्तविकता को बदलते रहे। जब पूछा जाता है कि वास्तविकता को कैसे बदला जाता है, तो मैं बस रॉबर्ट कैनेडी के पसंदीदा वाक्य को दोहराता हूँ, कुछ लोग मौजूद चीज़ों को देखकर कहते हैं, क्यों मैं उन चीज़ों के सपने देखता हूँ जो मैं मौजूद नहीं है, और कहता हूँ क्यों नहीं। अगर आप फटाफट अमीर बनना चाहते हैं तो यह वर्तमान वास्तविकताओं के आरामदेह दायरे से बाहर निकलकर नई संभावनाओं के क्षेत्र में कदम रखने का मामला है। जैसा रॉबर्ट कैनेडी ने कहा था, क्यों नहीं। वास्तविकता या संदर्भ का जल्दी विस्तार कर सकने वाला मस्तिष्क लिवरेज का महत्वपूर्ण रूप है। दरअसल आपका मस्तिष्क लिवरेज का सबसे महत्वपूर्ण साधन हो सकता है, खासतौर पर इस तेजी से बदले दुनिया में। अमीर डैडी के लिए ऐसा मस्तिष्क बहुत महत्वपूर्ण था जो शीघ्रता से अपनी वास्तविकता का विस्तार कर सकता हो। दरअसल मेरा मानना है कि उनके मस्तिष्क ने ही उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं और वित्तीय सफलताओं को इतना ज़्यादा बढ़ाया। अब मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और शायद मैं पहले से ज़्यादा समझदार हो गया हूँ, इसलिए मैं इस बात को ज़्यादा महत्व देने लगा हूँ कि अमीर डैडी ने अपने बेटे और मुझे यह वाक्य कहने से क्यों मना किया था, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। आने वाले वर्षों में अपनी वास्तविकता को बदलने और इसका विस्तार करने की योग्यता लिवरेज का अपना सबसे महत्वपूर्ण रूप हो सकती है। आने वाले वर्षों में जो व्यक्ति संदर्भ को बदल सकते हैं और उसका विस्तार कर सकते हैं, वे समृद्ध होंगे और उन लोगों से आगे निकल जाएंगे जो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसा फास्ट कंपनी मैगजीन ने कहा है, नई अर्थव्यवस्था में संदर्भ का राज्य चलता है।
अगर आप जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको अपने संदर्भ को तेजी से लगातार बदलने में समर्थ बनना होगा, क्योंकि संदर्भ ही सामग्री को तय करता है और संदर्भ तथा सामग्री मिलकर क्षमता में बदल जाते हैं। अच्छी खबर यह है कि अगर आप सही वास्तविकता या संदर्भ के महत्व को समझ लेते हैं, अगर आप योजना बनाने के महत्व को भी समझ लेते हैं, तो जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने की आपकी संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। कमोबेश यहाँ पर मानसिक लिवरेज के महत्व पर हमारे विचार पूरे होते हैं। हालांकि यह मानसिक वास्तविकता के खंड का अंत है, लेकिन आगे के अध्यायों में भी इसका जिक्र किया जाएगा। व्यक्ति की वास्तविकता की शक्ति किसी महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस पुस्तक का अगला खंड आपकी व्यक्तिगत वित्तीय योजना के लिवरेज के महत्व के बारे में है। योजना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास सपने तो होते हैं लेकिन योजना नहीं होती है। जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने का सपना महत्वपूर्ण है, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए व्यक्ति को एक योजना की ज़रूरत होती है जो सपने और वास्तविकता के बीच पुल बना दे। अगले खंड में आपके मानसिक लिवरेज की जांच होगी, क्योंकि हम इतनी बड़ी राशियों का जिक्र करेंगे जो ज़्यादातर लोगों की वास्तविकता से परे हैं। अगर राशियाँ आपकी वास्तविकता का संदर्भ से परे हों तो वे राशियाँ सिर्फ सपना ही बनी रहेंगी। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, जो व्यक्ति हर साल $50,000 से कम कमा रहा है, उसके लिए आमतौर पर यह कल्पना करना मुश्किल होता है। कुछ साल बाद वह $10,00,000 आमदनी के साथ रिटायर होगा। हालांकि ज़्यादा लोग किसी दिन उतने पैसे के साथ रिटायर होने के सपने देख सकते हैं, लेकिन 1% से भी कम अमेरिकी जनता ऐसा कर पाएगी। यह वास्तविकता बाकी 99% लोगों के लिए हमेशा सपना बनी रहेगी। अगर आप वास्तविकता बदल सकते हैं और पक्की योजना बना सकते हैं, तो $50,000 सालाना आमदनी के लिए ज़िंदगी भर काम करने के बजाय आपको यह ज़्यादा आसान लगेगा कि बिना काम किए $10,00,000 या इससे ज़्यादा काम या इससे ज़्यादा कमाएं। इसमें सिर्फ लचीली वास्तविकता और संदर्भ की ज़रूरत होती है और ऐसी योजना की जिस पर अमल किया जाए। अगला खंड योजना के बारे में है। जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए ज़्यादा लिवरेज वाली योजनाएं।